अस्सलाम वालेकुम, हेल्थ सॉल्यूशंस टीवी के साथ मैं हूं लैबा खान। सबसे पहले हेडलाइंस। बरतानवी दवा साज कंपनी GSK का कहना है कि इनकी ज़ेरे तकमील दवा स्ट्रॉबम कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खिलाफ भी मौसर साबित हो रही है। हुकूमत सिंध ने कोरोना के ओमिक्रॉन किस्म के खिलाफ इकदाम करते हुए गुज़श्ता एक हफ्ते में जनूबी अफ्रीका से आने वाले तमाम मुसाफिरों के टेस्ट करने का फैसला किया है। सऊदी हुकूमत ने ओमिक्रॉन केस रिपोर्ट होने पर मुकम्मल लॉकडाउन का इम्कान मुस्तरद कर दिया। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात के बाद अमरीका में भी कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के पहले केस की तस्दीक हो गई। बलूचिस्तान में कोरोना वायरस की मद में मुख्तस फंड में बेकायदगियों और बेजाब्तगियों का इंकशाफ हुआ है। इस्लामाबाद नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर NCOC ने वैक्सीनेशन न करवाने वाले अफराद को मौके पर ही वैक्सीन लगाने का फैसला किया है। जुनूबी अफ्रीका से सामने आने वाले कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बायस नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर NCOC ने शादी हॉल, मज़ारात, दफ्तर के लिए नई हिदायतनामा जारी कर दिया है। लाइन्स आपने जानी, अब खबरें तफसील के साथ। बरतानवी दवा साज कंपनी GSK का कहना है कि ज़ेरे तकमील दवा स्ट्रॉबम कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खिलाफ भी मौसर साबित हो रही है। GSK का कहना है कि वो कोरोना वायरस के खिलाफ मौसर दवा स्ट्रॉबम पर अमरीकी कंपनी VIR बायोटेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहा है और अब तक की जाने वाली तहकीक में ये बात सामने आई है कि स्ट्रॉबम कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ भी काम कर रही है। हुकूमत सिंध ने कोरोना की ओमिक्रॉन किस्म के खिलाफ इकदाम करते हुए गुज़श्ता एक हफ्ते में जनूबी अफ्रीका से आने वाले तमाम मुसाफिर के टेस्ट करने का फैसला किया। इस सिलसिले में महकमा सेहत वफाकी तहकीकती एजेंसी FIA से मुसाफिरों की तफसीलात देने की दरख्वास्त कर दी। ज़राए के मुताबिक तमाम मुसाफिरों के और उनसे रबते में आने वाले लोगों के भी टेस्ट किए जाएंगे। टेस्ट मस्बित आने पर नमूनों की तफसीली जाँच की जाएगी। सऊदी हुकूमत ने ओमिक्रॉन केस रिपोर्ट होने पर मुकम्मल लॉकडाउन का इम्कान मुस्तरद कर दिया। सऊदी अरब में गुज़श्ता रोज़ कोरोना वायरस का अफ्रीकी वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला केस रिपोर्ट हुआ, जिसके बाद हुकाम ने इस हवाले से तहकीकात भी शुरू कर दी। ताहम सऊदी वजारत सेहत ने ओमिक्रॉन सामने आने पर मुल्क में मुकम्मल लॉकडाउन के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात के बाद अमरीका में भी कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के पहले केस की तस्दीक हो गई। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीका में ओमिक्रॉन वायरस से मुतासर शख्स जनूबी अफ्रीका से 22 नवंबर को वापस आया था और मुतासर शख्स वैक्सीन का कोर्स मुकम्मल कर चुका था। हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से कोरोना वायरस से बचाव के लिए मख्तस करदा 5 अरब 31 करोड़ रुपए जायद की रकम के अखराजात में बेकायदगियों और बेजब्तगियों का इंकशाफ हुआ है। जर्नल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से माली साल 2020 और 2019 के दौरान कोरोना वायरस की मद में मख्तस किए गए मखसूस फंड्स का ऑड किया गया है, जिसकी ऑड रिपोर्ट बलूचिस्तान असेंबली में पेश कर दी गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर NCOC ने वैक्सीनेशन ना कराने वाले अफराद को मौके पर ही वैक्सीन लगाने का फैसला किया है। वफाकी वजीर असद उमर की सरबराही में NCOC का इजलास हुआ, जिसमें कोरोना वायरस के नए वेरियंट ओमिक्रॉन और मुल्क में वैक्सीनेशन के सूरत हाल पर गौर किया गया, जबकि इजलास में कोरोना फैलाव और अमवात और अस्पतालों में नए दाखिले होने वाले मरीजों से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी गई। जनूबी अफ्रीका से सामने आने वाले कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बायस नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर NCOC ने शादी हॉल्स, मज़ारात और दफ्तर के नए हिदायतनामा जारी कर दिया। NCOC की जानिब से वैक्सीनेशन कराने में पाकिस्तान के 40 शहरों को बेहतर करार दिया गया है। नारोल, जहनम, इस्लामाबाद, मंडी, भावलपुर, पेशावर, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर, इस्करदू, हंजा, गिलगित, गजर और शगर को 50% से ज़्यादा वैक्सीनेशन के बायस बेहतर करार दिया गया है। हेल्थ न्यूज़ से फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद हेल्थ से रिलेटेड खबरों के लिए देखते रहिए हेल्थ सॉल्यूशंस टीवी और डाउनलोड कीजिए हेल्थ सॉल्यूशंस ऐप।